बाबू मेरा हाइलाइटर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। इसको आप सोमवारी पे हरियाली तीज में इवन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक की तरह भी क्रिएट कर सकते हैं अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग, आई शेडोज को कस्टमाइज़ करते हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है femstyle212। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपने फेस को फेस पे यूज़ कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस का फेस टोनर। इसमें मेरा वेरिएंट है क्यूकम्बर। तो मैं सारे मेकअप वीडियोस में आप लोगों के साथ स्किन केयर भी शेयर करती हूँ सो दैट आप लोगों को एक फुल मेकअप वीडियो मिले। नेक्स्ट मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का फेस जेल। तो ये बहुत ही लाइट वेटेड सा मॉइस्चराइज़र है, परफेक्ट फॉर समर्स एंड मॉनसून सीजन। ऑयली स्किन वाले इस तरह के मॉइस्चराइजर्स को विंटर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ड्राई स्किन वालों को ये विंटर्स में अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी भी ड्राई स्किन है। तो अच्छी तरह से फेस पर अप्लाई करने के बाद लास्टली मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ पे निविया की लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही मेरा स्किन केयर कंप्लीट होता है। नाउ फॉर मेकअप आई एम यूजिंग दिस NY मेकअप प्राइमर। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया हुआ होगा। सो दिस इज़ अ वेरी डिसेंट प्राइमर इन एन अफोर्डेबल रेंज। इसको मैं अपने स्किन में पुश करूँगी। इनफैक्ट इसको सिर्फ फेस पे नहीं, आपको अपने नेक पे भी अप्लाई करना चाहिए एंड अपने आईज पे भी अप्लाई करना चाहिए सो दैट आपके मेकअप को एक प्रॉपर बेस मिल जाए। नाउ फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस पर्पल का फाउंडेशन। सो दिस गिव्स अ वेरी नाइस मीडियम टू हाई कवरेज। तो मैंने इसको बिल्कुल ज़रा ज़रा सा अप्लाई किया है एंड एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट कर दूंगी। ये वाला शेड मेरे स्किन से थोड़ा सा लाइट है, दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ही अप्लाई कर रही हूँ। अदरवाइज मेरे फेस पर बिल्कुल ये वाइट कास्ट छोड़ देगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। नाउ फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का कंसीलर। सो अगर आपको एक अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही अच्छा कंसीलर ट्राई करना है जो जेन्युइनली आपके डार्क सर्कल्स को हाइड करे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है कम रेंज में। तो इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर दिया है। ये बिल्कुल मेरे स्किन टोन का है, मैंने कोई भी लाइट कंसीलर यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम लाइट कंसीलर ही यूज़ करना चाहिए अपने डार्कनेस को हाइड करने के लिए। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ HR की आई शेडो पैलेट। इसमें से मैंने ये ग्रे शेड को पिक करके लाइटली अपने आईब्रोज़ को फिल इन कर लिया है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इन्वेस्टिंग मनी इन सच प्रोडक्ट्स जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपको आईब्रो के लिए प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस तरह से आई शेडो की हेल्प से भी इसको फिल इन कर सकते हैं। नाउ अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेक वर्की का लूज़ पाउडर यूज़ किया है, और जहाँ कहीं पे भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है जस्ट वहाँ पे पाउडर से सेट कर लूँगी एंड आपको डिफरेंस विजिबल होगा। उसके बाद मैंने ये ग्रीन सा शेड को पिक करके अपने क्रीज पे अप्लाई किया है, क्योंकि मेरी सारी ग्रीन कलर की है। अगर आपकी आउटफिट की कोई डिफरेंट कलर है तो आप कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप न्यू ब्राइड हैं तो आप इस तरह का मेकअप लुक ट्राई कर सकते हैं, ट्रस्ट मी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एंड मैंने ज़रा सा बिल्कुल ब्लैक शेड को पिक करके अपने ग्रीन शेड के साथ ब्लेंड किया है ताकि थोड़ा सा पिगमेंटेशन ऐड हो जाए। एंड बीच में मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है, वहाँ पे मैं यहाँ पे कंसीलर की हेल्प से थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी ताकि थोड़ा सा वो एरिया क्लीन हो जाए। और ये वाला गोल्डन शेड जो है इसको मैं पिक करके अपनी फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। नो, मैंने यहाँ पे हेलो आई करने का सोचा था, बट लास्टली मैंने पूरी लिड को कवर कर दिया था गोल्डन शेड से। तो इस तरह से मैंने गोल्डन शेड को यहाँ पे अपने इनर आईज़ में और आउटर आईज़ पे भी अप्लाई कर लिया है, और इस तरह से मैंने शेप अप किया है। सो आप चाहें तो हेलो आई पे भी छोड़ सकते हैं, बट मैंने जो है पूरे लिड को कवर अप कर दिया है बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह की ब्रश की हेल्प से मैंने इसको प्रॉपर शेप दिया है। शेप देने के लिए आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने काजल के लिए यहाँ पे फेसेस का काजल यूज़ किया है एंड अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन करूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा ग्रीन शेड को पेंसिल ब्रश में पिक करके अपने काजल को ब्लेंड आउट कर दूँगी सो दैट एक स्मोकीनेस आ जाए और साथ ही मेरा काजल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाए। फिर मैंने आई लाइनर के लिए यहाँ पर यूज़ किया है लैक्मे की आई लाइनर। बहुत ही अच्छा लाइनर है अफोर्डेबल रेंज में।
अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया देन ट्रस्ट मी यू शुड ट्राई दिस वन, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। एंड मैंने यहाँ पे मस्करा के लिए यूज़ किया है मेबलिन का टोटल टेम्पटेशन मस्करा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मस्कराज अवेलेबल एट दिस प्राइस। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके लैशेस को फिनिश देता है अगर आपको फॉल्स लैशेस अप्लाई नहीं करने हैं तो। और मैंने थोड़ा सा गोल्डन शेड को पिक करके अपने इनर आई पे भी अप्लाई किया है जस्ट टू कम्प्लीट माई आई मेकअप लुक। उसके बाद मैंने कॉन्टोरिंग के लिए यहाँ पे एन के की कॉन्टोर पैलेट यूज़ की है। ये लाइट शेड से मैं अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ और अपने जॉ लाइन की भी कॉन्टोरिंग करूँगी, साथ ही अपने नोज़ की भी कॉन्टोरिंग करूँगी। सो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग जैसा आपको सही लगे, जिस तरह से आप अपने फेस को स्कल्प्ट करना चाहते हैं, लुक देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने फेस पे कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। सो इसके बाद मैंने ब्लश के लिए यहाँ पे लैक्मे की 9 to 5 लिपस्टिक को अप्लाई किया है। इसमें मेरा शेड है ब्लश बुक। सो आई पर्सनली लव दिस शेड एज अ ब्लश। मुझे बेहद पसंद है लिपस्टिक को ब्लश की तरह अप्लाई करना। मैंने सारे वीडियोस में, ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में ये कहा है कि मुझे ऐसा फील होता है एंड मैंने ऐसा देखा है कि लिपस्टिक्स ज़्यादा लास्ट करते हैं एज अ ब्लश। फिर मैंने हाईलाइटर के लिए यहाँ पे इनसाइट का ये हाईलाइटर पिक किया है। बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही गॉर्जियस सा हाईलाइटर है, बहुत अच्छा फिनिश देता है। और लाइटली मैं अपने फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ, क्योंकि स्टिक पे इसे लाइक स्टिक को अगर मैं डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करूँगी तो उस पर भी मेकअप प्रोडक्ट लग जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को थोड़ा क्लीन ही रखना चाहती हूँ। तो यूजुअल प्लेसेस पे मैंने अपने फेस की हाईलाइटिंग कर ली है। नाउ मैं यहाँ पे ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर पे भी हाईलाइटिंग करूँगी, सो दैट एक इफेक्ट आए मेरे फेस पे और वो काफ़ी अच्छा भी लगता है। सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है इनर आई पे जस्ट हाईलाइटर अप्लाई करने से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे NYB की ये मिनी लिपस्टिक अप्लाई की है। इसमें मेरा शेड है क्लोजर 18 और इसको मैंने एज अ बेस यूज़ किया है, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। सो दिस इज़ फ्रॉम इनसाइट कॉस्मेटिक्स और इसमें मेरा शेड है सैटिन रोज़। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्राइट पिंक काइंड ऑफ शेड है, जो कि मेरी साड़ी के साथ बहुत परफेक्टली जा रहा था, तो मैंने इसको अप्लाई किया है। थोड़ा सा अपने फिंगर से ब्लेंड इन कर लूँगी सो दैट एक अच्छा कवरेज मिल जाए और थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। लास्टली मैंने लुक को कम्प्लीट करने के लिए ये ब्यूटीफुल से झुमके वेयर किए हैं। ऑफकोर्स आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ज्वेलरी और कोई भी आउटफिट वेयर कर सकते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल से झुमके हैं। इसको मैंने कोई इंस्टाग्राम स्टोर से मंगवाया था, उसका भी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। एंड ये पिंक कलर की बैंगल्स मैंने मेरी मॉम की वेयर की है। सो दिस इज़ माय फाइनल फिनिश्ड मेकअप लुक। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।